आज हम बनाएंगे गाजर की ऐसी मिठाई जिसे खाकर सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गाजर को ना कद्दूकस किया है ना उबाला है, बस मैंने गाजर को इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में करके एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल देंगे और उसको अच्छे से हम पिघला लेंगे। तो घी हमारा गरम हो चुका है तो हमने जो पेस्ट बनाया था गाजर वाला वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम हल्के हल्के हाथों से भूनेंगे। तो गाजर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, तो इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास भरकर दूध डाला है और कप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध डाला है। तो दूध डालने के बाद ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा रेसिपी। और अब हम इसमें 1 कप सूजी मिला देंगे। सूजी मिला लेने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिला देंगे और धीरे धीरे करके हम सारी सब्जी मतलब सारी सूजी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम अच्छे से तब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छे से एक डो ना बन जाए। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया है, आप चाहे तो ऐड करना वरना ना चाहे तो मत करना, बट मैंने इसे ब्यूटीफुल दिखाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें 1-2 चम्मच और घी डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से ये डो निकल रहा है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हाथ तेली पे इस तरीके से रख कर इस तरीके से हम पेड़ा बना लेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स पेड़ा बनाना, आप चाहे तो किसी भी शेप का बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेड़ा बनाया है। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे बॉल्स करके पेड़ा इस तरह से थपथपा दिया है। अब यहाँ पर हम तेल को गर्म कर देंगे कढ़ाई में और उसके बाद हम इसमें जो हमारी मिठाइयाँ हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। तो डालते ही मत चलाना फ्रेंड्स वरना ये चिपक भी सकती है। हल्का देर के बाद हम इसको पलट देंगे अच्छे से। पलट लेने के बाद इसको हम नीचे से भी अच्छे से पका लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मिठाई हमारा बन रहा है। आराम से कोई भी गेस्ट को ये खिला सकते हो। और साथ ही में मैंने यहाँ पे चाशनी बना ली थी पहले ही और ये मिठाई निकालते ही हम चाशनी में ऐड कर देंगे। चाशनी बनाने तो आपको आती ही होगी, तो उसी तरीके से आप बना लो बिना तार वाली चाशनी और इस तरीके से मिठाई बना के डाल दो। अगर आपको चाशनी का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है।